अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं अताबाद झील पर मौजूद हूँ। अगर आप देखें तो थोड़ा सा करीब जाते हैं, अताबाद झील आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या है, लोग यहाँ क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं। मेरे साथ रहे। अताबाद झील के करीब भी बहुत ज़्यादा जो है ना आबादी, शॉप्स वग़ैरह और होटल्स ये बनाए गए हैं, तो नेचुरल ब्यूटी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है। ये चाहिए था कि थोड़ा सा अताबाद झील से थोड़ा सा दूर हो, लेकिन बहरहाल जो भी है आज आपको कराते हैं अताबाद झील की सैर कि यहाँ क्या सूरत हाल है। चूँकि आजकल आप सीज़न है, बहुत ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन फिर भी सैयाह यहाँ आते हैं और यहाँ के जो अताबाद झील के जो नज़ारे हैं उससे लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं। यहाँ ख़ास कर इन लोगों की जो दिलचस्पी का जो बायस है वो बोर्डिंग है, तो कोशिश करेंगे कि बोर्डिंग भी आपको कराया जाए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटे बोर्ड में भी आप जा सकते हैं और अगर आप ज़्यादा है तो बड़े बोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ अगर आपके पास फैमिली है और सब आप लोग इकट्ठे ग्रुप की शक्ल में हैं तो ये पूरा लॉन्च छोटा सा जो बना हुआ है किश्ती, इसमें आप सफ़र कर सकते हैं। बाकी अगर आप अकेला है और एडवेंचर से लुत्फ़ानंदोज़ होना चाहते हैं तो फिर वो सिंगल बोर्ड पे आप जो है ना घूम फिर सकते हैं। मैं मालूम करूँगा कि इसका किराया क्या है, क्या सूरत हाल है, ये सब मैंने आपको बताना है। मेरे साथ रहें। आज इस वक्त मैं अताबाद झील पर मौजूद हूँ। अताबाद झील में बोर्डिंग किश्तरानी ये मशहूर है और यहाँ पर जितने भी सैयाह आते हैं तो इसमें वो ज़रूर सफ़र करते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस एरिया के जो मैनेजर है ज़फ़र अकबाल, इनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या सहूलियात आप दे रहे हैं, रेट्स क्या है, एक चक्कर लगाने का ग्रुप की शक्ल में लगाने का क्या तरीक़ाकार आप लोगों का होता है? सर यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ बोर्ड्स हैं। अच्छा। मोटर बोर्ड्स है, जेट स्की है, वुडन बोर्ड्स है, लाइव बोर्ड है, इनके मुख्तलिफ रेट्स हैं। यहाँ पे 4 सीटर से लेके 8 सीटर तक भी है, उनका मुख्तलिफ रेट 2000 से लेके 3000 तक यहाँ पे रेट है। और जब वुडन जब आप ले जाएंगे उसमें 16 बंदे आ जाते हैं, उसमें पर हेड जो है वो 150 है, उसमें 40 मिनट की बोटिंग कराते हैं। दूसरे जो लाइव बोर्ड है उसमें 20 से 25 मिनट की बोटिंग होती है, उसका मुख्तलिफ प्राइस हैं, 2000 है, 2500 है, 3000 है। उसके अलावा हमारे पास लाइफ जैकेट होती है। लाइफ जैकेट के अलावा यहाँ पे बोटिंग करना ममनू है, गवर्नमेंट की तरफ से 5000 की फ़ाइन है बग़ैर लाइफ जैकेट के जो यहाँ से सफ़र करेंगे। बाकी यहाँ पे नहाना, दूसरी चीज़ें हैं यहाँ पे बिल्कुल ममनू है। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे अगर डाउन डिस्ट्रिक्ट से और पाकिस्तान से दीगर इलाक़ों से अगर शहरी आते हैं, सयाह आते हैं, तो इनके लिए क्या हिदायत है आप लोग? सबसे पहले यह है कि उनके लिए हिदायत यह है कि यहाँ पे जो है सबसे पहले सफाई का ख्याल रखना चाहिए और दूसरी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल उनके लिए सेफ्टी है, लाइफ जैकेट पहनाते हैं। और जितने भी ये डाउन एरिया के हजरात हैं यहाँ अताबाद लेक पे आए और यहाँ पे किश्ती का इंजॉयमेंट करें। और हमारे जो डाउन एरिया से गुजारिश है कि आप जितना भी पाकिस्तान के जितने भी टूरिज़म पॉइंट्स है वहाँ आप जाके इंजॉयमेंट करें और पाकिस्तान में तरक्की हो जाएगी। कि ये जो झील है ये कब वजूद में आया और कैसे वजूद में आया? ये 4 जनवरी 2010 में लैंड स्लाइडिंग होकर ये झील बनी है। ये कोई पहले से झील नहीं है, 4 जनवरी 2010 में बनी है ये झील। तो क्या मतलब आबादी इसमें आई, किस तरह आया, यहाँ के लोगों मतलब नुकसान इनका हुआ, उनको कंपनसेट किया गया नहीं किया गया, कितने घराने मुतासर हुए, कितने गाँव मुतासर हुए? इसमें तकरीबन 3 से 4 गांव जो है मुतासिर हो गई है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें जो दिया है वो 6 लाख रुपए पर घराने दिए हैं। और इसमें तकरीबन फर्स्ट जम जब लैंड स्लाइडिंग हुई थी उसमें 19 बंदे जो है वो शहीद हो गए थे। उसके बाद ये 6 महीने तक ये जो है दरिया को बंद कर दी उसने। तकरीबन यहाँ पे 457 घर इस झील के अंदर आई है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा मंजर दिखाऊँ अताबाद झील का। अगर आप देखें तो अभी भी किश्तियाँ मौजूद है उसमें, मतलब उनका जो सफ़र है वो जारी है। मुख्तलिफ़ सयाह मुख्तलिफ़ कैटेगरी के किश्तियों में और बोर्डिंग जो है ना वो करते हैं, तो काफ़ी ख़ूबसूरत है। और यहाँ से थोड़ा अगर आप देखें तो पूरा ये एरिया बना हुआ है और ये काफ़ी मशहूर है। एडवेंचर बोटिंग आपने देखी, यहाँ पर एक बच्चे ने बोटिंग की। से जानते हैं कि वो डरा नहीं डरा, उसको कैसा लगा। बेटा आपका नाम क्या है और आप क्या कैसा लगा आपको? मेरे नाम राफे है। और आप कहाँ से आए हैं? लाहौर। अच्छा, तो ये बताएं आपको कैसा लगा ये? अच्छा। खतरनाक तो नहीं था? नहीं। डर लगा था कि नहीं? थोड़ा सा डर लगा था। थोड़ा सा डर लगा था। बच्चे वाकई सच बोलते हैं और जो सच बोलते हैं वो इस तरह ही होता है। उन्होंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। इसकी वालिदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आपने अपने बच्चे को इस बोर्डिंग कराई तो आपका दिल नहीं घबराया? किस तरह आपको लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग इतने अच्छे थे और मुझे बहुत सेफ लगा। इट वाज रियली नाइस। अच्छा, तो क्या आपको अताबाद झील कैसा लगा? अताबाद का ये इलाका पूरा कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं पहली दफ़ा आई हूँ अपने बच्चों के साथ और फैमिली के साथ, एंड इट्स ब्यूटीफुल एंड वेरी क्लीन, अमेजिंग एक्सपीरियंस। ठीक ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने इनके बच्चे और वालिदा की भी बात सुनी। वो कह रहे कि हम नहीं डरे और हमने इंजॉय किया, और इंजॉय करना भी चाहिए क्योंकि ये हमारा मुल्क है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो तमाम सहूलियात, तमाम वो चीज़ें मौजूद है जो बाहर दुनिया में है, लेकिन फिर भी हम लोग बाहर जाते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे और आपको मौसम और बेहतरीन मौक़े टूरिज़म के लिए मिलेंगे। अच्छा, ऐसा है कि आप जब अताबाद जिला पाते हैं तो आपको बहुत सारे मौके तो मिलेंगे। किश्तीरानी आप कर सकते हैं, बड़े बोट में भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये जो बोट है एडवेंचर, आप इसमें बहुत तेज़ी के साथ घूमते फिरते और पानी को क्रॉस करते, मोड़ काटते, और बिल्कुल आपको महसूस होगा कि ये काफ़ी मतलब डेंजरस और रिस्की मतलब होता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पर काफ़ी जवान आते हैं और वो इस पर सफ़र करते हैं और पूरी झील में वो घूम फिर सकते हैं। इसके लिए जो कम से कम किराया है वो 500 है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 1500 रुपये तक इसका किराया है। पूरी झील में तकरीबन 20 मिनट तकरीबन वो लगते हैं, तो ये काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप देखें तो ये इसी तरह स्पीड से जो है ना आप जाएंगे आएंगे, तो ये थोड़ा सा बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आपने जब भी आना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ की खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ आप यहाँ की जो एडवेंचर बोटिंग है इससे भी आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। लैब जैकेट पहनते हैं ताकि सेफ्टी हो। फिर आपको दिखाएंगे किस तरह है क्या है, वो मैंने आपकी झील के अंदर बताना है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अताबाद झील में किश्ती पे सवार हुआ और किश्ती में हमारा सफ़र जारी है। ये आपको दिखाना था कि जब भी आप अताबाद झील आते हैं तो अताबाद झील में सफ़र किस तरह रहता है और किस तरह नज़ारे होते हैं, तो ये आपको बताना था। अगर आप देखें तो किनारा यहाँ से KKH और मौसम ख़ज़ा और ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिस पर बर्फ़ मौजूद है। अगर आप सामने देखें तो अताबाद झील का बेहतरीन मंज़र, तो ये अगर आप देखें तो बेहतरीन नज़ारा है और ख़ूबसूरत मौसम है। यहाँ आपको मैं दिखा सकूँ कि ये जो किश्ती हमारे साथ इस सेट पे चलती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सयाह इसमें सवार है और वो मतलब काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो अताबाद झील में किश्ती में सफ़र ये एक मुनफरिद मतलब सफ़र है। आप जब भी आते हैं इतनी दूर से, तो मेरा ये मानना है कि आप ज़रूर थोड़ा सा चक्कर ज़रूर लगाएं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ अताबाद झील के जो मतलब खूबसूरत नज़ारे हैं इससे भी आप लुत्फ़अंदोज़ हो। तो सफ़र जारी है, काफ़ी सफ़र हमने तय किया। अगर आप सामने देखें तो बिल्कुल पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत झील बना हुआ है। ये इन लोगों के लिए रोज़गार का भी ज़रिया है और सयाहों के लिए तफरी का एक बेहतरीन मतलब मुकाम बन गया है। तो सयाह यहाँ जब आते हैं तो वो ज़रूर अताबाद झील में किश्तरानी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और यहाँ की जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और यहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे हैं उससे खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बर्फ़ से ढके पहाड़, बर्फ़ का नज़ारा भी आप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार हमारा जो सफ़र है वो जारी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जब भी आप यहां पर आए तो आप मतलब लुत्फ़अंदोज़ हो। अताबाद झील में किश्तरानी से बोटिंग से यहाँ पर 2-3 किस्म के बोटिंग है, वो रिस्की वाला भी है मतलब एडवेंचर वाला, वो भी आप इसमें लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और इसके अलावा जो आम मतलब हमारी तरह जो शरीफों वाला बोट है इसमें हम बैठे आराम से, कोई ख़तरा नहीं है, आराम आराम से हम जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर आपको एडवेंचर का शौक़ है तो फिर वो सिंगल बोट, अगर आपको मैं सामने दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं तेज़ी के साथ जो है ना वो जा रहा है। तो ये सूरत हाल है और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाएं, झील के हवाले से बताएं। तो मेरे साथ रहे, आगे मिलते हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने कोशिश की कि आपको अताबाद झील के सैर कराऊं और वो भी किश्ती में, क्योंकि दूर से तो हर कोई आता है देखता है, लेकिन आप जब किश्ती में हो और आप किश्ती के अंदर मतलब आप अताबाद झील में सफ़र कर रहे हो, सैर कर रहे हो, चारों तरफ पहाड़ और ठंडी ठंडी हवाएं। और अगर आप इन दिनों में आते हैं मतलब मौसम ख़ज़ां में तो आप यकीन माने आप बिल्कुल इंजॉय करोगे, आपको हर चीज़ जो है ना बेहतरीन मिलेंगे। तो आप बोर्डिंग अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा आपको बोर्डिंग दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये एडवेंचर बोर्डिंग है, मतलब इसमें पूरा जो है ना वो तेज़ी के साथ वो जाता है और आता है। तो इसमें काफ़ी रिस्क भी है, मैं समझता हूं कि थोड़ा स्लो चलना चाहिए, लेकिन ये लोग बिल्कुल तेज़ चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप जब भी आए तो आप हर किस्म के जो बोर्डिंग लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये लड़के मुझ पर पानी फेंक रहे हैं, इनको मैं कहता हूँ कि पानी ना फेंके। तो ये सिलसिला है, आपको हमने थोड़ा सा मुख्तलिफ ज़ावियों से और मुख्तलिफ तरफ से मैंने आपको कोशिश की, आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। किसी और जगह पर किसी और मुकाम पर मुलाकात होगी।